हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आविष्कार और आविष्कारक के बारे में जानेंगे। आविष्कार किसने इसका किया था इसके बारे में जानेंगे और कैसे इसको याद रखेंगे, एक ट्रिक के आधार पर भी इसे याद रखेंगे। विटामिन फंक, हमने फांक लिया विटामिन को, फंक हमने फांक लिया विटामिन को, फांक लिया से फंक याद हो जाएगा। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन ए को हम याद करेंगे, हमने विटामिन मैक में लिया, हमने विटामिन एक मैक में लिया। मैक माने डिब्बा, मान लिया कि कोई डिब्बा है जिसका, इसको हमने मैक मान लिया, इसी में हमने विटामिन को लिया, इस तरह याद करेंगे। विटामिन बी को भी मैक में ही लिया, ये याद करेंगे हम। विटामिन सी होलकन, विटामिन सी को होल मुँह खोले और ले लिए, विटामिन सी को होल मतलब मुँह खोले और ले लिए, तो मुँह खोले से होलकन याद हो जाएगा। विटामिन डी हॉपकिंसन, विटामिन डी हमने हाफ लिया, विटामिन डी हमने हाफ लिया, हाफ लिया का अर्थ है हॉपकिंसन, जहाँ हाफ आपको याद रहेगा हॉपकिंसन याद हो जाएगा। होम्योपैथी हैनीमैन, होम्योपैथी का अर्थ है हैनीमैन ने इसका आविष्कार किया था, तो हमने होम्योपैथी लेकर हनीमून मनाने चले गए, हनीमून से हैनीपैथी याद हो जाएगा आपको। होम्योपैथी हनीमून मनाने चले गए होम्योपैथी लेकर, तो हनीमून का अर्थ हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट लिलेहल, इसको याद करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद हम लिले हो गए, लिल्हे हो गए, इसको याद करेंगे कि हम लिल्हे हो गए, इसको याद करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी यानी हम लिल्हे हो गए ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, तो जहाँ लिल्हे याद होगा वाल्ट लिल्हेन हमको याद हो जाएगा। प्रथम परख नली शिशु, इसके आविष्कार को याद करेंगे, एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो है, तो प्रथम परख नली शिशु एड हो गया, खराब हो गया, अंडा खराब हो गया, एग याद करेंगे। प्रथम परख शिशु एग से निकला, अंडा से, एडवर्ड एग याद होगा तो उसे एडवर्ड हो जाएगा। और स्टेप्टो स्टेप लिया, प्रथम परख नली शिशु अंडा से निकला, उसको हमने स्टेप ले लिया, तो इससे स्टेप से याद होगा स्टेप्टो। एंटीजन लैंड एस्टिना ने इसको खोज की, तो एंटीजन लैंड कर गया, एंटीजन हवा में लैंड कर गया, लैंड जैसे याद होगा लैंड एस्टिनर याद हो जाएगा, जैसे ही याद करेंगे कि एंटीजन हवा में लैंड हो गया तो उससे याद हो जाएगा लैंड एस्टिनर। रक्त परिवर्तन, रक्त जो है लैंड कर गया हवा में, रक्त जो है लैंड कर गया तो उसे याद हो जाएगा कि रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंड एस्टिनर ने की थी। डीएनए फ्रेडरिक मिक्सचर, इसको याद करेंगे, डीएनए मिक्सचर हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स से होगा मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर याद आ जाएगा। जैसे ही डीएनए मिक्सचर हो गया तो उसे याद होगा फ्रेडरिक मिक्सचर। द्वि कुंडली प्रतिरूप की खोज जेम्स वाटसन, हम इसको याद करेंगे, द्वि कुंडली प्रतिरूप की खोज पानी में चला बह गया, यानी वाटर याद करेंगे, द्वि कुंडली प्रतिरूप की खोज वाटर में बह गया, यानी वाटसन, जेम्स वाटसन याद हो जाएगा। और क्रीक कुएं में चला गया, वाटर में बहकर कुएं में चला गया, प्रतिरूप जैसे ही हम याद करेंगे, द्वि कुंडली प्रतिरूप की खोज वाटर में बहकर कुएं में चला गया, वाटर से जेम्स वाटसन तथा क्रीक जो है कुआं से क्रीक याद हो जाएगा, इस तरह हम इसको याद करेंगे। चूँकि जो भी विटामिन हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं और जो आविष्कार करता है उनका नाम याद नहीं रखता है, अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, खासकर विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी के बारे में बार बार पूछता है, विटामिन के बारे में पूछता है, द्वि कुंडली के बारे में बराबर पूछता है, डीएनए के बारे में पूछता है, रक्त परिवर्तन के बारे में पूछता है, प्रथम परख नली शिशु के बारे में पूछता है। ये प्रश्न हमेशा इससे जो है हर PCS में, चाहे वह BPSC हो, UPPCS हो, MPPCS हो, SSC हो, बैंकिंग और रेलवे में पूछा जाता है हमेशा चिकित्सा संबंधी आविष्कार से, इसलिए इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं।